यो सो गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम टू अनदर गेम प्ले वीडियो। गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को अपने कास्टल के बारे में सब कुछ दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि मेरे कास्टल में क्या क्या चीज़ें हैं। और सामने की तरफ तो मेरा घर ही है और उसके बगल में एक वॉच टावर है, तो ऐसे ही वॉच टावर मुझे बगल में मतलब उसके अपोजिट भी बनाना चाहिए। तो गाइस, मुझे कमेंट में बताना। और यहाँ पे शायद देखिए आयरन कॉलम पसंद, आयरन कॉलम यही देखता रुको दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि मेरे कास्टल में क्या क्या चीज़ें हैं। और सामने की तरफ तो मेरा घर ही है और उसके बगल में एक वॉच टावर है, तो ऐसे ही वॉच टावर मुझे बगल में मतलब उसके अपोजिट भी बनाना चाहिए। तो गाइस, मुझे कमेंट में बताना। और यहाँ पे शायद देखिए आयरन कॉलम पसंद, आयरन कॉलम यही देखता रुको आयरन कॉलम ही है, देख सकते हो आप लोग। अभी थोड़ा टीचर के बैठे, मैं ब्लॉक्स लगाते हुए यहाँ से गिरना चाहूँ, यहाँ से अगर थोड़ा सा गिरना गाइस तो सीधा नीचे जाकर गिरूंगा, सीधा मौत होंगे। तो हाँ गाइस, आयरन कॉलम है और इसके साथ जो इधर थोड़ी दूर है वो लामा है, तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं। तो चलो अभी नीचे चलते, और भी चीज़ें हैं आप लोगों को दिखानी है। मुझे लगा मैं सीधा नीचे पे, तो अब यहाँ से सीधा नीचे चलते हैं हम ब्लॉक्स तोड़ देते हैं। और मेरे पास अभी कैसे ये डायमंड की पिकेक्स है और एक डायमंड की सोड है, और भी चीज़ें डायमंड के हम बना सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास डायमंड बिल्कुल नहीं है, इसलिए अभी चीज़ें और नहीं बनाएंगे। और डायमंड बनेंगे तो मैं जरूर बनाएंगे गाइस, अभी वीडियो में आप लोगों को जरूर मिल जाएगी। तो चलो अभी जल्दी से हम ब्लॉक्स तोड़ते तोड़ते नीचे चलते हैं। ब्लॉक्स तोड़ते तोड़ते नीचे चलते हैं गाइस। ये कैसे है? तो चलो मैं आप लोगों को अंदर ले जाता हूँ। और ये सामने कर मैंने ये सिंगल डोर लगा रखे हैं, तो इसको खोलता हूँ, बंद करो। और यहाँ पे गाइस मैं क्या कहते हैं, एक शिप फार्म बनाऊंगा। शिप यहाँ पे गाइस हम लोग काउस रखेंगे, यानी काउ फार्म होगा ये। और ये जो थर्ड वाला गाइस, इसका मुझे कमेंट में बताना कि यहाँ पे मैं क्या रखूँ, यहाँ पे मैं किस चीज़ को पालूँ, तो कमेंट में जरूर बताना गाइस। और यहाँ पे ये मेरी एक पोटेटो फार्म और वीट फार्म है, जहाँ पे मैं अपना खाना उगाता हूँ। तो सारे खाने उग गए तो मैं जल्दी से इन लोगों को, इन चीज़ों को काट लेता हूँ। और यहाँ पे पानी मिलेगा भी, इन्हें पानी मिलेगा तभी ये लोग को जल्दी। तो देखो गाइस, एक वीट और एक सीड मुझे मिल गई है। वीट उन लोगों को, वीट उनको हम खिलाते हैं, जैसे काउस या सिप हो गई, और सीड्स को हम मुर्गियों को खिलाते हैं, कॉक वगैरह को। तो जल्दी से मैं सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें काट लेता हूँ। और ये क्या, मैंने एक चीज़ डॉट भी काट ली सकता। चलो कोई, और यहाँ पे जितने भी पोटेटो लगेगा, इसे जो पोटेटो मेरे को मिल गया, 3 पोटेटोस मिले। तो जल्दी से मैं एक चीज़ों को काट लेता हूँ। तो ये दो 46 से भी ज़्यादा हो गए, और अभी तो मैंने सिर्फ आधे ही काटे, जल्दी जल्दी सारे काट लेता हूँ। तो बस कटने वाले सारे। अगर वैसे वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नहीं तो कहीं जाकर सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। इस वीडियो पे सिर्फ और सिर्फ मैं एम करता हूँ 10 लाइक्स और 200 व्यूज़ का, तो मुझे पता है कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो कोई बात नहीं गाइस, आप लोग भी मुझे ऐसे सपोर्ट करते हो और मैं भी आप लोगों को ऐसी अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स देता रहूँगा। तो बस फाइनली कट चुके हैं, और फिर हम लोगों को इसे वापस भी लगाने हैं। तो लास्ट में मेरे थोड़े पोटैटोस और वहाँ पे एक वीट रहती है, तो उसको ले लेता हूँ। तो अभी तो यहाँ पे पोटैटोस लगा लेता हूँ। अब रियल लाइफ में गाइस, अगर हम पोटैटो उगाते हैं तो हम लोग पोटैटोस ही लगाते हैं। तो जल्दी सारे लगा देता हूँ, मुझे तो लग रहा कम पड़ गया, जब आधे से ज़्यादा तो मैं बीच लगाने वाला हूँ, इसलिए यहाँ नहीं होती यार, हो ही भी नहीं रहा है मैं सेट। जल्दी से इन सब चीज़ों को लगा देता हूँ। ये पानी मिल गया, शिट। तो फाइनली गाइस, हमने सब जगह पोटैटोस लगा दिए हैं और ये धीरे धीरे उगने भी लगे, क्योंकि पानी भी इनके साथ ही है। तो अभी हम लोग ये 2-3 रातों में, 2-3 दिनों में ये पूरे हो जाएंगे। चलो गाइस, अब मैं आप लोगों को आगे की चीज़ दिखाता हूँ। तो अभी तो लेफ्ट और राइट तो खाली है, बस ये राइट में मैंने एक हॉर्स फार्म बनाया है, लेकिन अभी इसके अंदर कोई हॉर्स नहीं है, तो वो भी हम लोग ले आएंगे। लेकिन उसके लिए गाइस हमें सेटल चाहिए, जो हमें सिर्फ और सिर्फ एक विलेज में मिलेगी। तो हम लोग विलेज भी जाएंगे, विलेज ऐसे हमारे घर के पीछे ही है, लेकिन पता नहीं वो विलेज कैसे है। तो गाइस ये देखो, यहाँ पे टॉर्चेस लगाई और ये घर का भी डिजाइन मैंने बहुत अच्छे से किया, और यहाँ पे मेरे सारे हॉर्सेस हैं, कम से कम यहाँ पे 3 हॉर्स तो आ जाएंगे आराम से। चलो अंदर चलते हैं। और ये देखो गाइस, ऊपर से लोग चूज किया, अरे किसने मारा, अरे किसने मारा, निकल ऐसे निकल, अब टाइम मैं इसको मार के नहीं पाया। अब आ जाओ, पता नहीं आ रही आज कहाँ से आ गया, बस आया और सीधा मेरे पे अटैक करने लग गया। चलो कोई नहीं। तो ये देखो गाइस, ये है मेरा हॉर्स फार्म। अब मैं आप लोगों को कस्टम में ले जाता हूँ, यानी अपने हाउस के अंदर ले जाता हूँ गाइस। इसने इस डॉम्बी ने पूरी 1 HP ले ली थी गाइस मेरी, पूरी पूरी 1 HP। तो अभी सीधे जाने, और ये राइट लेफ्ट में गाइस कुछ नहीं, अभी खाली पड़ा है, तो कुछ नहीं, बस एक ये जाने, वो भी हम चले जाएंगे। और ऊपर से गाइस लुक आ रही है, ये देखो लुक आ रही है ऊपर नेदर पोर्टल में। तो नेदर पोर्टल में गाइस हम लोग अगली वीडियो में जाएंगे, और क्योंकि अभी कुछ कुछ उसमें मुझे करना है। तो गाइस देखो, आप जैसे घुसोगे ना, तो ये देखो गाइस, ये मेरा हाउस है। और ये देखो गाइस, एक एक ब्लॉक को मैंने किस डिज़ाइन से लगा रखा है, ये एकदम लुक बराबर आनी चाहिए।
तो बहुत अच्छा लगा। और सामने की तरफ कैसे मेरा सिंहासन जहाँ पे राजा लोग बैठते, तो हम भी इस के राजा ही हैं। यहाँ पे तो ज़्यादातर मैंने काम आयरन और गोल्ड से करा है, चलिए गोल्ड जो भी था मेरे पास वही है, और अभी भी थोड़ा बहुत गोल्ड बचा है। और ये जो बगल में जो आप यहाँ जल्दी देख रहे हो, ये भी मैंने कहा कि हम लोग जो आ जाए वो एक खतरनाक राजा है, हमसे कोई जल्दी पंगा भी मिलेगा। और ये जो आगे का ऑटोमेटिकली जलते रहते हैं हमेशा, अनस्टॉपेबल है। और ज़्यादातर मैंने काम यहाँ पे गोल्ड और आयरन से कर रखे हैं, और एक यहाँ पे मैंने कहते डायमंड ब्लॉक भी लगा दिया, लेकिन डायमंड मेरे पास कम थे इसलिए मैं एक लगा पाया। और बाकी कास्टर के लोग एकदम ओपी आ रही है, और नीचे भी मैंने यहाँ पे लगाए हैं आग, और इसके साथ साथ यहाँ पे गोल्ड स्टोन उस साइड भी मैंने ऐसे कराया है, देखो। और अंदर के हाथों भी हम चले जाएंगे। और इससे पहले गाइस आप ऊपर का देखो, अभी बारिश हो रही है, थोड़ा पानी नीचे टपक रहा है, उसके गाइस कोई बात नहीं, लेकिन आप ये देखो गाइस ऊपर की लुक। गाइस आप ये ऊपर की लुक देखो, इतने सारे मैंने मतलब बूट्स लगा लगा के, तो स्टाइल में मैंने डिजाइन में मैंने ऐसे करें, तो आप लोगों ने ये सब चीज़ें देख ली। गाइस कमेंट बताना आप लोगों को सच में मेरा कॉस्ट्यूम कैसा लगा। तो अब जब मैं आऊँगा तो यहाँ पे मेरा एक बेड है जिसमें मैं सोता हूँ, और गाइस यहाँ पे आगे बहुत सारी चेस्ट रखी है जिसमें मेरा सामान है, लेकिन बहुत कम। यहाँ पे मेरी एक एंटेनमेंट टेबल है जिसके अंदर हम लोग एंटेनमेंट कर सकते हैं, यानी एक अलग ही पावर दे सकते हैं हम अपने हथियारों को। यहाँ पे एंडविल है जिसके अंदर हम लोग कोई भी चीज़ रिपेयर आराम से कर पाएंगे, और ये एंडर चेस्ट है गाइस जो जिसका बहुत ही ज़्यादा यूनिक काम होता है। गाइस मेरे अंडर चेस्ट जिसका बहुत ही ज्यादा यूनिक काम है, जिनको पता है कि गाइस अंडर चेस्ट का क्या काम है उनको तो नहीं, लेकिन जिनको नहीं पता कि अंडर चेस्ट का ये काम होता है, तो गाइस आप लोग भी अंडर चेस्ट बनाओ, आप लोगों को भी पता चलेगा। तो यहाँ पे इतनी सारी चेस्ट सारी खाली, बस एक ये दो तीन ही है इस पर गाइस मेरा सारा है। और लास्ट की जो बाकी दो बचती है इसमें थोड़ा बहुत है, इसमें तो गाइस मेरा गोल्ड है, आयरन है, फिर ये रेड स्टोन है। एकदम स्टाइल में मैंने डिजाइन में मैंने ऐसे करा है, तो आप लोगों ने ये सब चीज़ें देख ली। गाइस कमेंट बताना आप लोगों को सच में मेरा कॉस्ट्यूम कैसा लगा। तो अब जब मैं आऊँगा तो यहाँ पे मेरा एक बेड है जिसमें मैं सोता हूँ, और गाइस यहाँ पे आगे बहुत सारी चेस्ट रखी है जिसमें मेरा सामान है, लेकिन बहुत कम। यहाँ पे मेरी एक एंटेनमेंट टेबल है जिसके अंदर हम लोग एंटेनमेंट कर सकते हैं, यानी एक अलग ही पावर दे सकते हैं हम अपने हथियारों को। यहाँ पे एनविल है जिसके अंदर हम लोग कोई भी चीज़ रिपेयर आराम से कर पाएंगे, और ये एंडर चेस्ट है गाइस जो जिसका बहुत ही ज़्यादा यूनिक काम होता है। ये गाइस मेरी अंडर चेस्ट है जिसका बहुत ही ज़्यादा यूनिक काम है, जिनको पता है कि गाइस अंडर चेस्ट का क्या काम है उनको तो नहीं, लेकिन जिनको नहीं पता कि अंडर चेस्ट का ये काम होता है, तो गाइस आप लोग भी अंडर चेस्ट बनाओ, आप लोगों को भी पता चलेगा। तो यहाँ पे इतनी सारी चेस्ट सारी खाली, बस एक ये दो तीन ही है इस पर गाइस मेरा सारा है, और सारा सामान पड़ा। ये चेस्ट है, एक बेड है, ये देख सकते हो गाइस, ये नेदर ब्रिक ब्लॉक है, और ये रहा मेरा येलो बेड, और बाकी सारे कोबल स्टोन्स वगैरह सब है। और सामने की तरफ ये सारी चेस्ट खाली है, लास्ट की जो ये बाकी दो बचती हैं इसमें थोड़ा बहुत सामान, इसमें तो गाइस मेरा गोल्ड है, आयरन है, फिर ये रेड स्टोन है, और ये डायमंड है, और बाकी ऑब्सिडियन है थोड़े बहुत, और ये लैपिस लजुली, सॉरी। फिर ये चेस्ट भी खाली है गाइस मेरी, देख सकते हो लार्ज चेस्ट मेरी पूरी खाली है। फिर इस चेस्ट में भी थोड़ा, इस चेस्ट में मेरा थोड़ा वेस्ट मटेरियल सामान है, मतलब कि जो भी चीज़ ये डायमंड्स वगैरह होती हैं उन सब चीज़ों की, जो चेस्ट वगैरह आर्मर्स वगैरह जो बनाते हैं इसमें रहते हैं, मतलब कि चेस्ट हो गई ये गोल्ड की एक, फिर ये हेलमेट भी है मेरे पास गोल्ड का, और डायमंड की सिर्फ एक ही चेस्ट है इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं। फिर ये मेरी क्राफ्टिंग टेबल आ जाती है गाइस जिसके अंदर मुझे कोई भी चीज़ क्राफ्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। फिर ये मेरी फर्नेस गाइस जिसके अंदर मैं अपना खाना कुक करता हूँ, ऐसे जैसे पोटैटोस लिए और ये बन रहे, तो अब जब यहाँ से जो निकलेगा गाइस वो बेक पोटैटो निकलेगा, यानी पका हुआ पोटैटो। जब भी मेरी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरी है एचपी जो फुल है, तो जब मेरी एचपी कम हो जाती है तो जितना भी मेरे को भूख लगती है, जो आप राइट साइड में देख पा रहे हो गाइस यहाँ पे, तो यही चीज़ होती है कि कम हो जाती है तब हमें खाना खाना चाहिए, और वैसे हमारी एचपी बढ़ने लगती है। तो गाइस ये देखो एक फर्नेस मेरी काम करने लगी, और इससे मुझे बेक्ड पोटैटो मिल गए। फिर ये मेरी एक चेस्ट है जिसके अंदर थोड़ा बहुत डायमंड का सामान पड़ा है, और इसके पास भी बेक्ड पोटैटो इसमें रखे हैं, और एक सवेल भी है स्टोन की। फिर ये जो ऊपर वाली है, एक फिर सवेल खोली, सॉरी, ये पूरी खाली है, और इसमें जो है गाइस इसमें मेरा सारा वेस्ट मटेरियल है, ज़्यादा कुछ काम का नहीं, और इसमें सारा मेरा गाइस खाने का ही सामान है। ये पोटैटो देख लो गाइस इतने सारे, फिर ये मेरे पास कुक्ड बीफ, फिर चिकन्स वगैरह, और भी बहुत कुछ है इसमें। तो ये तो था गाइस मेरे अंदर का। और यहाँ पे गाइस मैंने ये डोर भी लगा रखे दोनों साइड से, जो एकदम तो अच्छी लुक देता है। यहाँ से गाइस देखो सीधा इतनी अच्छी लुक आती है ना गाइस अपने कास्टर की, कि ऐसी लुक तो कोई भी गेमर नहीं बना पाएगा। तो अब मैं आप लोगों को राइट साइड ले जाता हूँ अपनी, क्या कहते हैं, वॉच टावर पे, और वॉच टावर पे गाइस मैंने एक बहुत बड़ी वो लगा रखी, क्या कहते हैं, वॉच टावर से जाने से पहले गाइस मैं आपको अपनी वॉल दिखा देता हूँ, मतलब कि अपनी छत। तब हम लोग जा रहे हैं, तो गाइस ये देखो यहाँ से अभी मैं यहाँ पे ब्लॉक्स लगाती हूँ, कोबल स्टोन लगाते ऊपर आता हूँ। अगर गाइस अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा और वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी जाकर लाइक करना। तो गाइस अब यहाँ से देखो इतनी बेस्ट लुक आती है गाइस अपने, और बर्फ़ भी पड़ रही है अभी इसलिए।
और इसलिए हमारे नेदर पोर्टल के ऊपर थोड़ी बहुत बर्फ भी जम गई है। और गाइस इतनी सारी मैंने टॉर्च लगाई कि रात होती गाइस अपना काजल एकदम चमकने लगता है। तो चलो ये सब तो दिखाते ही होंगे मैं आप लोगों को। मेन चीज़ जो थी गाइस वो थी हमारी ये क्या कहते हैं वॉच टावर। तो अब हम लोग सीधा वॉच टावर पर चलते हैं। और गाइस अगर आप लोगों को ऐसे ही कस्टल आप लोगों ने बनाए तो गाइस आप एक चीज़ जरूर मत भूलना कि आप जब भी अपना ये कस्टल बनाओ या अपना हाउस बनाओ तो ये बाउंड्री जरूर देना एक वॉटर की। इससे गाइस जब मैं आपको वॉच टावर में चले जाऊँ तब आप लोगों को दिखाऊंगा इसके पूरे लुक। तो ये आप लोगों को गाइस बनानी चाहिए क्योंकि इससे बहुत अच्छी लुक आती है। और थोड़ी बहुत यहाँ पे मुर्गियाँ भी घूम रही हैं मेरी। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को जल्दी से ऊपर ले जाता हूँ। ये बहुत बड़ी लिफ्ट है कुछ नहीं करना मुझे सीधा इसके अंदर जाने है और ये अपने आप मुझे ऊपर ले जाते हैं गाइस। तो ये देखो इतनी बड़ी लिफ्ट गाइस मैंने बनाई है। तो अभी चलो इसके अंदर चलते हैं और ऊपर पहुँच जाते हैं सीधा। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं सबसे ऊपर और बहुत अच्छी लुक भी आती है गाइस। अब देखो मतलब गाइस आप लोग को देखो मतलब जो मैं आप लोगों को कहते कि आप लोगों को बाउंड्री बनानी चाहिए तो यही चीज़ आप लोगों को बनानी चाहिए जिससे कस्टल को बहुत ज़्यादा अच्छी लुक आती है। ये बाउंड्री शुरू होती है गाइस यहाँ से लेके 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 फिर वहाँ पे जब मेरा वो आ जाता है पोटैटो फार्म तो वहाँ पे रुक जाती है फिर वहाँ से स्टार्ट होती है और फिर ये पूरे पीछे घूम के आती है। गाइस यहाँ से ऊपर को देखो यहाँ से कितनी अच्छी लुक आती है गाइस। मतलब इतनी सारी मैंने यहाँ पे वो बना रखी वो लगा रखी है टॉर्चेस कि रात होती है ना गाइस एकदम चमकने लगता है। और ये मेरा वॉच टावर गाइस जिसके ऊपर आके गाइस मैंने अभी इसको पूरा नहीं बनाया अभी मुझे उसके ऊपर एक छोटा सा हाउस बनाने की मैं आराम से देख सकूँ। यहाँ पे अगर मैं कहीं से भी गिरता तो गाइस तो सीधे सीधे बातें मौत ही मिलेगी। तो अब नीचे चलते हैं गाइस और वैसे तो कुछ नहीं बचा लेकिन अब नीचे जाऊँगा तो गाइस दो ही तड़के या तो मैं सीधा लिफ्ट से नीचे जाऊँ या यहाँ से करूँ। अगर यहाँ से कहीं से भी कूदूंगा ना गाइस मैं तो सीधी सीधी बात है कि मैं मर जाऊँगा। और इतना सारा सामान है मेरे पास अभी मतलब अभी ज़्यादा चीज़ें क्राफ्ट नहीं करें लेकिन जिस हिसाब से मेरे पास डायमंड है गोल्ड है और बाकी चीज़ें उस हिसाब से तो गाइस अभी मेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन ये तरीका गाइस अगर मैं पानी में कूदूँ तो मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलो पानी में कूदते हैं। एक दो तीन अरे शर्ट यार कहाँ कूदे रुको 1 2 3 जय गंगा मैया की। अरे शर्ट यार मैं तो कूद मैं कहीं और ही गिर क्या। तो फाइनल गाइस हम लोग ऊपर से सीधा नीचे तो फाइनल गाइस हम लोग सीधा ऊपर से लेकर नीचे कूद रहे वो भी एकदम सही सलामत। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो गाइस जल्दी जाकर लाइक करो सब्सक्राइब करो और कमेंट में भी बताना गाइस और क्या क्या मुझे कस्टम में करना है। वैसे तो अभी बहुत कुछ करना है लेकिन अभी हम लोग और ठीक और अच्छा बना लेंगे इसको। तो चलो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।